टू माय चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पनीर की बहुत स्पेशल सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 250 ग्राम पनीर लिया है, 4 चम्मच मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं जिसे मैंने पानी में भिगा दिया था, 10 से 15 मैंने काजू लिया है, अदरक लिया है, 4 बड़े टमाटर लिए हैं जिन्हें काट कर रखा है, खड़े मसालों में तेज़पत्ता, काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी और एक बड़ी इलायची ली है। कढ़ाई पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब तेल डाला है और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। तो आपको दिख ही रहा है दोस्तों, बस इतनी चीज़ें हमने खड़े मसाले इसमें ऐड किए हैं और हल्का सा इन्हें हम सुनहरा कर लेते हैं जिससे कि तेल में सभी खड़े मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। अब अदरक जिन्हें मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट के रखा है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, साथ ही 4 टमाटर वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक के खूब अच्छी तरह से पकाना है। जितना अच्छा हम टमाटर को पकाते हैं उतना ही हमारी सब्ज़ी में स्वाद आता है। दोस्तों, इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं लहसुन और प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप देखिएगा, इस सब्ज़ी का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो 4 चम्मच जो मैंने मगज के बीज लिए थे जो पानी में अच्छी तरह से भीग चुके हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 10 से 12 काजू वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और खूब अच्छी तरह से हम इन्हें सेक लेंगे। 2 हरी मिर्च है वो भी मैंने इसमें डाल दी है और बहुत अच्छी तरह से हम इन्हें भून लेंगे। भूनने के बाद दोस्तों इसे हमें ठंडा करने रखना है। ठंडा जब ये हो जाएगा तब हम इसे मिक्सर के जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो खड़े मसालों की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों। आप जब बनाएंगे तब आपको ये सब्ज़ी का पता चलेगा कि कितनी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अब यह मसाला ठंडा हो चुका है, अब मैं इन मसालों को मिक्सर के जार में डाल रही हूँ और इसका अब हम पेस्ट तैयार करेंगे। वापस मैंने वही कढ़ाई ली है, 1 चम्मच फिर से मैंने तेल डाला है और इस तेल में मैंने वापस 1 तेज़पत्ता और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है और ये जो पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, हमारे टमाटर वाला जो पेस्ट था दोस्तों, उसे अब हम इसमें डालेंगे और फिर अब हमें धीमी आंच पर खूब अच्छी तरह से इसे सेकना है। बीच बीच में इसे चलते भी जाएं। साथ ही मैंने 1 शिमला मिर्ची काट कर रखी है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसलिए मैंने शिमला मिर्च देर से डाली है, 1 खड़ी लाल मिर्च भी डाल दी है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, 1 चम्मच नमक डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। आप यदि तीखा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं, परंतु हमने इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ किया है दोस्तों। अब सभी मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें और खूब अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। अब आप देख रहे हैं मसालों का कलर, हमारे ग्रेवी का कलर करीब करीब चेंज होने लगा है, बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं। 1 बड़े चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और अब ये जो पनीर है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पनीर को खूब अच्छी तरह से हमें मसाले में मिक्स करना है। थोड़े से पनीर को मैंने हल्का हाथों से क्रश कर लिया है, क्रश किया हुआ पनीर भी मैं ऐड कर रही हूँ। पनीर के टुकड़े भी ऐड किया है और क्रश किए पनीर भी इसमें डाला है और बहुत अच्छी तरह से अब इसे हम भून लें। तो ये हमारा बन रहा है दोस्तों आज पनीर अंगारा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ पनीर अंगारे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसे स्मोकी फ्लेवर देना है ताकि सब्ज़ी का स्वाद और अच्छा बढ़ जाए। जितनी सुंदर ये दिखने में लग रही है उतनी ही खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट है। 2 बड़े चम्मच मैंने बिल्कुल फ्रेश मलाई डाली है, इसलिए शुरू में हमने तेल की क्वांटिटी कम रखी थी क्योंकि हम आखिरी में इसमें मलाई का भी यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। अब मैंने 1 कोयले का टुकड़ा है दोस्तों, जी हाँ, ये सब्ज़ी का नाम ही पनीर अंगारा है, तो कोयला का एक टुकड़ा मैंने गैस के ऊपर रख दिया। अब आप देख रहे हैं कोयला अच्छा लाल हो गया है, एक साइड से बहुत अच्छी तरह से लाल हो गया है। 10 मिनट आप धीमी आंच पे कोयले को रख दें, वो बहुत ही अच्छी तरह से सुलग जाता है। और अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालकर हम सब्ज़ी को थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देंगे। बीच बीच में मैं कोयले को इस तरह से पलटाती जा रही हूँ ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये लाल हो जाए।
एक बार आप इस तरह से सब्ज़ी बनाकर देखें दोस्तों, जो इसकी खुशबू आती है जब हम कोयले को गरम गरम कोयले में बटर डालते हैं और जो उसकी खुशबू सब्ज़ी में आ जाती है, तब तो उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब कोयला बहुत अच्छी तरह से लाल हो गया दोस्तों। अब मैंने क्या किया, सब्ज़ी के ऊपर एक छोटी सी स्टील की कटोरी रख दी है और बिल्कुल गरम इस कोयले को इस कटोरी के ऊपर रखा और यहाँ पर मैंने लिया है बटर। बस अब हमें क्या करना है दोस्तों, बटर डालना है इसमें और तुरंत ही हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है ताकि ये जो धुआँ निकल रहा है दोस्तों, स्मोक निकल रहा है, वो इस सब्ज़ी में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। हमें अपनी सब्ज़ी को थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना है। बस ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल गरम गरम ये जो कोयला है, जैसे ही मैंने बटर डाला जो धुआं निकला है, बस आप इसे कम से कम 5 से 7 मिनट ढक कर रखें और बस अब गरम गरम सब्ज़ी को मैंने कैसरोल में खाली कर दिया है और ये हमारी पनीर अंगारा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी।